गोरखपुर न्यूज के माध्यम से जिलाधिकारी के विजन पांडे ने लोगों से अपील किया है कि बाहर से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की जानकारी जिला प्रशासन को दे, चाहे वह आपका कितना भी करीबी हो। जिलाधिकारी के विजन पांडे ने कहा कि बाहर से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को 14 दिन तक होम क्वारंटाइन किया जाएगा। उसे 14 दिन तक घरों के भीतर रखें, उसे ना तो मिले और ना तो बाहर निकाले, जिससे कोरोना संक्रमण के चक्र को तोड़ा जा सके। जिलाधिकारी के विजन पांडे ने कहा कि जिला प्रशासन का सहयोग करें, जिससे कोरोना जैसी गंभीर बीमारी के संक्रमण पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजन पांडे ने कहा, देखिए सभी का मेरा बार बार अपील यही है, भारी मात्रा से बाहर से लोग आ रहे हैं, आ भी जाएंगे आगे भी, ताकि हमारा साथी लोग कहीं बहुत जगह फंसे हैं भारत में, हर कोने पे, खासतौर पे गोरखपुर में देख लीजिए, भारत में सबसे ज़्यादा ट्रेन के जो पैसेंजर हम लोग लिए हैं, अब तक 150 ट्रेन से गोरखपुर के लिए लोग आ चुके हैं, तकरीबन 1 लाख लोग आ चुके हैं। आज भी 22 ट्रेनें हैं, कल भी 25 ट्रेनें हैं, यानी पर डे 30,000-40,000 लोग बाहर से आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं परेशानी से आ रहे हैं। वो आने के बाद उन लोगों का अपने अपने जनपद का बस में बैठा करके हम रवाना कर रहे हैं, यहाँ से 40-50 बस से लेके चले जाएंगे। और गोरखपुर के रहने वाले लोग हैं, वो अपने साधन संसाधन से भी आ रहे हैं, ट्रेन से भी आ रहे हैं और सरकारी बस के जरिए से भी पहुँच रहे हैं, हर लोग गांव में पहुँच रहे हैं। गांव में निगरानी समिति हम लोग बना हुआ है। देखिए जो बाहर से आने वाले व्यक्ति, खुद को नहीं पता है अंदर ये बीमारी है क्या नहीं, हम सबसे यही अपील करता हूँ, जो भी बाहर से आता है उनका अलग रखवा दीजिए होम क्वारंटाइन में। हम लोग पहले क्या करते हैं, यहीं हम लोग टेम्परेचर स्क्रीन कर रहे हैं, उसके बाद वहाँ भी स्क्रीन कर रहे हैं। ये कुछ चीज़ बीमारी होता है ना, ये सिम्टोमेटिक कहते हैं, यानी ये टेम्परेचर से पता नहीं चलता है, और किसका अंदर है क्या नहीं वो 14 दिन में ही पता चलता है, यानी 7 दिन में उभर के आता है। यदि दोबारा हम 7 दिन रखेंगे तसल्ली हो जाता है, 14 दिन में किसी के अंदर वो कोरोना नहीं है। इसलिए हम बार बार सरकार भी और पूरे देश प्रदेश में सभी संगठन इसी का अपील कर रहे हैं, जो भी व्यक्ति बाहर से आते हैं, भले कितने भी करीबी हो, आपका भाई हो, बच्चा हो, बीवी हो, जो भी है, उनका अलग कमरा में 14 दिन रख लीजिएगा। उनको जो भी तकलीफ आता है, मान लीजिए सर्दी जुकाम और सांस लेने में परेशानी है, तुरंत 108 एम्बुलेंस लगा दीजिए, 24 घंटे आपके लिए, तो 10 मिनट में एम्बुलेंस पहुंच जाएगा। किसी कोई तकलीफ है उनको उठा के हम बीआरडी मेडिकल कॉलेज में रख करके इलाज कर देते हैं। और मान लीजिए एक आदमी यदि तो लापरवाही की वजह है, और नहीं तो जानबूझ करके जो भाई बाहर जा करके घूमता है फैलाता है, तो फिर एक तरफ से जाने अनजाने में अपने परिवार को भी खतरा में डाल रहा है और पूरे जनता को खतरे में डाल रहा है। मैं बार बार आपसे अपील करता हूं, बाहर से जो भी व्यक्ति आते हैं, आ भी जाएंगे, उनका 14 दिन डिस्टर्ब ना करें, आराम से बाद में 14 दिन के बाद काम कर सकते हैं। 14 दिन किसी बिना काम के लिए एक कमरा में अलग रख लीजिए, खान पान अलग कर दीजिए, उनसे मिलना जुलना चीज़ थोड़ा अवॉइड कर लीजिए। ये मैं आपसे अपील करता हूँ, बार बार गुजारिश करता हूँ, आप ही लोग जरिए से बचा पाएंगे कोरोना का। अकेले प्रशासन को, अकेले टीम को बचा नहीं सकते हैं, हम सब एक तरफ से कोरोना वॉरियर के रूप से लड़ना होगा इस बीमारी से, जानकारी के साथ। बाहर निकलते हैं तो ज़रूर मास्क पहनिए, हाथ बार बार धो लीजिए, एक दूसरे से कम 6 फुट दूरी बना के रखिएगा, एक संक्रमण का चेन हमें तोड़ना ही पड़ेगा। यदि हम ये एक संकल्प लें 15 दिन के लिए, जो भी बाहर से आने वाले व्यक्ति का मालक रखेंगे, उनसे मिलेंगे जुलेंगे नहीं और हम सावधानी से रहेंगे, ये कोरोना अपने आप खत्म हो जाएगा गोरखपुर से, यही मैं बार बार अपील करता हूँ।